हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, देख लेते हैं दैट आज यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या कहना चाहेंगे आज यूनिवर्स आपको, आपके डेली रीडिंग है ये एंड ऑल्सो द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या आने वाला है। सो मैं पहले ही कह दूँ, ये पूरा एक जनरल रीडिंग है एंड जो भी आपको रेजोनेट करेगा बस उतना ही मैसेजेस को लेना है, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी ओवरऑल आपका दिन कैसा रहेगा, ओवरऑल स्पिरिट आपको कौन से मैसेजेस आने वाले 24 आवर्स के लिए देना चाहेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट हियर। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड टेल्स मी ग्राउंड एंड सेंटर एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल आर्टवर्क। ग्राउंड एंड सेंटर, आई फील लाइक द फर्स्ट मैसेज जो स्पिरिट यहाँ पे आपको देना चाहते हैं दैट इज इट इज़ टाइम कि आप एक्सेप्ट करें आपके करंट सिचुएशन को। करंट सिचुएशन से मेरा मतलब है आपके कोई भी सिचुएशन, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली, जो भी आप मानना चाहो, ये जो आपका डेस्टिनी है, जिस जगह पे आप खड़े हो लाइफ में, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट करें। बिकॉज कुछ लोग हैं जो आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, आप रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं मैं इसे नहीं होने दूंगी, या ऐसा ही होना पड़ेगा, मैंने ये कहा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही बनना पड़ेगा क्योंकि लोग ऐसे हैं, या आप किसी को कॉपी कर रहे हो, या आपको लग रहा है अगर आप ऐसे नहीं होंगे तो आप आउट, लाइक आप आउटकास्ट होंगे। सो कुछ एक चीज़ है जिसके ऊपर यूनिवर्स इज सेइंग आप फिक्सेटेड हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, जो रियलिटी है आप उसे समझ नहीं रहे हो, आप रियलिटी में कोई अपना तरीके से कुछ सोच रहे हो, लाइक एक फैंटेसी वर्ल्ड आप क्रिएट कर रहे हो, मे बी इस रिलेशनशिप में, मे बी इस जॉब ऑफर की वजह से, मे बी आपके करंट बिजनेस में, आपको लग रहा है आप एक कुछ माइंड में सोच के चल रहे हो, और जब आपको ये फीलिंग आ रहा है कि शायद वो गलत है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है ये गलत नहीं हो सकता, किसी भी हाल में मुझे इसे सही करना ही है, किसी भी हाल में मैं रियलिटी को बदलना ही है। पर समटाइम्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव कि आप ये समझे कि वॉट इज़ गोइंग ऑन, आपके करंट रिलेशनशिप्स, आपका आपके मे बी हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका रिलेशन, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन, आपके बच्चों के साथ, आपके कज़न के साथ, भाई बहन के साथ, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज जो एनर्जी है आपके आसपास वो आपसे झूठ नहीं कह रही, ये जो एनर्जी, ये जो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो वो सच्चाई है एंड आप उससे भाग नहीं सकते। आपका इंट्यूशन अगर आपसे कहता है कि वो पर्सन गलत है तो गलत है, आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को या अपने माइंड को ये नहीं समझा सकते कि नहीं ये रियलिटी नहीं है, मेरा इंट्यूशन झूठ बोल रहा है, ये पर्सन बदल जाएंगे, ये पर्सन ये नहीं। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके लिए सही है तो वो सही है, ठीक है, इतना सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रियलिटी जो है, यूनिवर्स आपको जो इंट्यूशन के थ्रू दिखा रहे हैं, आपका सिक्स सेंस आपको जो कह रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, उसे बिलीव करो, इसे एक्सेप्ट करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे भागो मत या उसे गलत प्रूफ करने के पीछे मत जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। देर इज़ सम थिंग्स इन योर लाइफ जो आपके हिसाब से नहीं हुआ है, जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितना रेजिस्ट करोगे चीज़ें उतनी मुश्किल होती जाएगी। सो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ग्राउंड करो, स्टेबिलिटी पे ध्यान दो आज नेक्स्ट 24 आवर्स, आपके करियर पे ध्यान दो, आपके बॉडी पे ध्यान दो, आपके माइंड, बॉडी, सोल, एनर्जी पे ध्यान दो, अपने हैप्पीनेस पे ध्यान दो, प्रेजेंट मोमेंट को देखो, ओके, फैंटेसी को चेज मत करो, अपने दिमाग में सिचुएशन क्रिएट करके ओवर थिंक मत करो, जो हुआ नहीं है, जो कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे मत भागो, ये सब मत करो।
नेक्स्ट वी हैव इमेजिन एंड क्या है एनविशन. यस ऑफ कोर्स, जो मैंने अभी अभी कहा आपसे. नेक्स्ट 24 आवर्स कलेक्टिव. आई फील लाइक आपका ब्लॉकेज या आपका चैलेंज जो होने वाला है अगला 24 आवर्स में, वो है आपका माइंड, आपके इमेजिनेशंस, आपके लाइक आपके अंदर आइडियाज आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है. यूनिवर्स इज सेइंग कुछ चीज़ें ऐसे आएंगी जो आपको आपके लक्ष्य से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. आप चाहते हो किसी चीज़ को, आप चाहते हो अगले 24 आवर्स में मुझे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आप चाहते हो 24 आवर्स में मुझे एक चैप्टर पढ़ के कम्प्लीट करना है, आप चाहते हो 24 आवर्स में मुझे फिर से अपने जिम रूटीन में वापस जाना है, मुझे डाइट कंट्रोल करना है, या मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मुझे अपने बच्चों को टाइम देना है. सो वॉट एवर दिस इज़, आप जो भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक्सेप्ट करो, या आप जो भी काइंड ऑफ सोच रहे हो जो आपके लिए एक्चुअली ज़रूरी है, आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आई थिंक उन चीज़ों से आपको दूर रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीच आ सकता है. ओके, एंड यूनिवर्स इज सेइंग आपको वो चीज़ों को समझना होगा. आप इन डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को खो नहीं सकते. मान लो कि आपने सोचा था कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, बट देन आपके कोई दोस्त आपके घर आ जाए, आपका टाइम वेस्ट कर दे, एंड आप देखो दार आपके पास समय नहीं है, सो आप मे बी उस चीज़ को डिले कर देते हो. आप कहते हो कि ठीक है आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे. ओके, जस्ट सपोज एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है. आपने सोचा था कि आज आप डाइट करोगे, या आज आप एक्सरसाइज या योगा करोगे, बट देन आप बाहर चले गए, टाइम नहीं मिला, एंड आप वापस नहीं आए. आपको लगा कि ठीक है कल कर लेंगे. सो कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जो आप डिसीशन सही ले रहे हो, आप मकसद अपना, फोकस अपना ठीक लगा रहे हो, लेकिन उस फोकस तक जाने का जो रास्ता है उसमें आप रुक जा रहे हो. उसमें आपको कई सारे डिस्ट्रैक्शंस, कई सारी ब्लॉकेजेस, कई सारी चैलेंजेस है जिसका आपको सामना करना है नेक्स्ट 24 आवर्स में. एंड ये जो ब्लॉकेजेस है ये कैसे है पता है? ये मटेरियलिस्टिक ब्लॉकेजेस है. पार्टी, दोस्त, शॉपिंग, पैसा खर्च करना बेवजह, इट कैन बी सम काइंड ऑफ सब्सटेंस एडिक्शन, या लेजीनेस, कुछ भी हो सकता है. ये सब जो आप ओवरकम कर सकते हो, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ओवरकम करो. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने टारगेट से अपने आप को दूर मत करो. एंड कभी कभी क्या होता है, टारगेट मतलब सिर्फ करियर है ज़रूरी नहीं है. टारगेट कैन बी एनीथिंग. टारगेट ये हो सकता है कि आज का दिन मैं पॉजिटिव नोट पे बिताऊंगा, आज का दिन मैं पॉजिटिव सोचूंगा, आज का दिन मैं अपने गार्डन में बिताना चाहता हूँ, आज का दिन मैं अपने एनिमल्स, पेट्स के साथ बिताना चाहता हूँ, फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ. ये सब भी आपके टारगेट्स हो सकते हैं. सो टारगेट मतलब ही करियर होना है ज़रूरी नहीं है. टारगेट ये हो सकता है कि आज मेरा डाइट हेल्दी होगा. टारगेट ये हो सकता है कि आज मैं ऑफ डे लूँगा, या मैं अपने हिसाब से आज अपना दिन स्पेंड करूँगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करूँगा. वो भी टारगेट है, वो भी आप अचीव कर सकते हो. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से रोकने के लिए है, जो चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं बेसिकली. एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन ब्लॉकेजेस में रुक मत जाओ, या उन ब्लॉकेजेस के साथ आप खुद मत बह जाओ, बल्कि आप उन ब्लॉकेजेस को रिकॉग्नाइज करो दैट हाँ ये प्रॉब्लम है एंड ये ब्लॉकेज है. सो मुझे इस ब्लॉकेज के साथ लाइक कदम से कदम नहीं मिलाना है, बल्कि मुझे उस ब्लॉकेज को ओवरकम करना है. ओके, सी क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट. सो यूनिवर्स बेसिकली वॉन्ट्स यू टू डू दिस. यूनिवर्स वॉन्ट्स कि आप ये नेक्स्ट 24 आवर्स अपने बारे में सोचें, अपने फायदे के बारे में, अपना माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट. द थिंग इज आपको आपकी ज़रूरत है. एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप अपने पाथ से, आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक रहे हो, एंड यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप वो करें. सो यूनिवर्स काइंड ऑफ नेक्स्ट 24 आवर्स आपको फोकस करने बोल रहे हैं आपके पाथ पे, आपके रास्ते पे. वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू हेडिंग, आप क्या करना चाहते हो, आपका लॉन्ग टाइम फ्यूचर गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है.
सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस नज़रिए से देखें चीज़ों को. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस दें. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स. कोई भी क्विक मैसेज जो स्पिरिट काइंड ऑफ देना चाहे कि द फॉर्चून्स व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप, आपका टाइम अभी बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके लाइफ में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ नेगेटिव हैबिट्स, कोई नेगेटिव बैगेजेस आप लेट गो करें, बिकॉज जैसे जैसे आपका लाइफ चेंज हो रहा है वैसे वैसे कुछ नई चीज़ें आएगी आपके लाइफ में, नए लोग आएंगे, नई चैलेंजेस आएगा. सो इट्स बेटर कि आप जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है उस एनर्जी में ना बैठे रहे या उस एनर्जी को जाने दें. द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू रिलीज थिंग्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे. यू नीड टू रिलीज एनर्जीज जो आपके पास्ट में है. आप कोई इल्यूजन को लेके बैठे हुए हो, आप कुछ ऐसा आपको लग रहा है सच है जो एक्चुअली में सच है नहीं. एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स अपना ध्यान रखो, अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करो, अलाइन करो, बिकॉज आपको जो लग रहा है सही है, आपको जो लग रहा है रियालिटी है, वो आपकी फैंटेसी भी हो सकती है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड. आप काइंड ऑफ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो टू रिलीज, ओके, टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेहतर है. कुछ भ्रम है आपके जो टूट रहे हैं, कुछ फैंटेसीज है आपके जो आप रियलाइज कर रहे हो कि रियलिटी क्या है और भ्रम क्या है. एंड आप काइंड ऑफ फिर से अपने आप को वो स्टेबिलिटी, टाइम, एनर्जी, एफर्ट देने के लिए तैयार हो रहे हो ताकि आप एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाओ या बेटर डिसीशंस ले पाओ. कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको एंजाइटी हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स. स्पिरिट इज सेइंग थोड़ा सा आप इधर उधर, आपका माइंड भटक सकता है, थोड़े नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं, बट आपके लिए एक मैसेज ये है दैट जस्ट रिमेम्बर यूनिवर्स आपके साथ है. एंड कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं. सो इट इज़ बेटर कि आप खुद को भी वो प्यार दें, किसी और को प्यार करने से पहले आप अपने आप को वो प्यार दें. बिकॉज यू नो, आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है दैट लोग आपको समझते नहीं है. नेक्स्ट 24 आवर्स आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, लोग मुझे वो क्लैरिटी नहीं दे रहे, लोग मुझे लाइक इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो इट इज़ समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपको कुछ लोगों से नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप वो चीज़ अपने आप को दे सकते हो. आप वो प्यार, आप वो सपोर्ट, आप वो सब कुछ काइंड ऑफ अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो. सो आप क्यों लोगों के भरोसे बैठना चाहोगे. सो नेक्स्ट 24 आवर्स मैं यही कहूँगी शॉर्ट में, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ. पूरा ही आपके बारे में है, अपना लाइफ, आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपका बॉडी, सोल, एनर्जी, वाइब्रेशन, एवरीथिंग. सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. एंड थोड़ा सा अपने इस इल्यूजन से बाहर आओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दैट रियलिटी क्या है. कभी कभी जो लगता है रियलिटी है वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं होता है. ठीक है, लेट अस सी योर पर्सन्स करंट एनर्जी. वाओ, एनीथिंग एल्स? ठीक है, सिर्फ दो ही है. सो वी अगेन हैव क्लेंजिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल. सो फॉर सम ऑफ यू ये आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड है, दैट आप जितना अपने आप को क्लेंज करते हो, आप जितना सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, उतना ही जल्दी आप अपने सोलमेट बोलो या अनकंडीशनल लव बोलो या रोमांटिक पार्टनर बोलो, आप उतना जल्दी इस पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जो आपके लिए हेल्दी है. ऑफकोर्स मैं वो टॉक्सिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, आई थिंक सबसे बेटर चीज़ ये है इस वक्त आप सेल्फ लव पे फोकस करें. नाउ वी ऑल्सो हैव अफर्मेशंस फॉर ग्रोथ.
So for some of you, I'm feeling the energy of a new love situation, new love kind of a situation. Next 24 hours, कुछ लोग kind of manifestation कर रहे हो किसी प्यार को पाने के लिए, या कोई कैंडल मैजिक, या I don't know, आप कुछ क्रिस्टल यूज कर रहे हो, बट आप कुछ कर रहे हो अपने लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए. अपने मे बी आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मे बी आप अपने करंट रिलेशनशिप में कुछ बेटर करना चाहते हो. सो सी न्यू वाइटालिटी. A lot of you new love situation. अगर आपका relationship नया है तो I feel like next 24 hours में आप एक दूसरे को जान रहे हो, बहुत सारा communication हो रहा है, आप kind of future plan कर रहे हो, या plan कर रहे हो आप कहीं जाने वाले हो, इस person से मिलने वाले हो, वो भी kind of हो सकता है. Seek the truth, healing begins. For some of you, this is a connection जो universe आपको कहना चाहते हैं कि इस connection में आपको success दिखेगा, but थोड़ा सा late, क्योंकि इस वक्त आप दोनों kind of transform हो रहे हो अपने अपने ज़िंदगी में, and kind of universe is saying कि इस वक्त इस person के साथ सब कुछ उतना इजी आपको लग नहीं रहा है. आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन एंड होने वाला है, या ये कनेक्शन काइंड ऑफ नेगेटिव होता जा रहा है, बट यूनिवर्स इज सेइंग बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है बाद में जाके, लेकिन वो इस वक्त आपको समझ नहीं आएगा, वो इस वक्त आपके लिए है नहीं, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो गो थ्रू कर रहे हो वो या तो कार्मा है, या तो आपकी डेस्टिनी का कोई पार्ट है, किसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी टाइप की लेसन है. एंड लाइक ये जो लेसन है, ये जो कार्मा है, ये आपके डेस्टिनी में है. सो आप दोनों को ये टाइम गो थ्रू करना है, या तो एक दूसरे के साथ, या तो अपनी अपनी जिंदगियों में एक दूसरे से अलग रहेंगे. And I also feel like this is somebody next 24 hours में अगर आप contact में हो, ये person बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे. There will be a lot of stability, there will be a lot of communication, there will be a lot of energies of ये person आपको कई तरह के promise करेंगे, या future की बातें करेंगे, या I'm hearing सपने दिखाएंगे. And universe is saying that this is a very interesting relationship. Ten of Cups, yes, definitely. कुछ लोगों के लिए ये person maybe already married है, या यहाँ पे third party situation है, and आपको लग रहा है कि since यहाँ पे third party है, शायद ये person कभी नहीं आएंगे, कभी मुझे choose नहीं करेंगे. But universe is saying that ये person वापस आएंगे, but सबके लिए ऐसा नहीं होगा कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे या समथिंग. बट इस वक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, इस वक्त अगर आप कोई लाइक कॉन्फ्लिक्ट में हो इस पर्सन के साथ, आई सी दैट ये आप दोनों की डेस्टिनी नहीं है. आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ रहने में है. आप दोनों की डेस्टिनी काइंड ऑफ अभी तक पूरे फुल फॉर्म में आपके सामने आया नहीं है. एंड दिस इज़ अ टाइम जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो नेक्स्ट 24 आवर्स जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, या जो लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन में हो, उन लोगों के लिए तो बहुत सही रहेगा. लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आई थिंक उन लोगों के लिए थोड़ा सा एंजाइटी से भरा रहेगा, बिकॉज आपको किसी टाइप की एंडिंग का एहसास हो सकता है, या आपको लग सकता है ये पर्सन के साथ आपका ज़्यादा दिन का साथ नहीं है, या आपको लग सकता है ये पर्सन किसी और को चूज़ कर रहे हैं. एंड ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी महसूस हो सकता है इस रिलेशनशिप में आने वाला 24 आवर्स. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि डो नॉट गिव अप, बिकॉज ये कनेक्शन या तो बहुत कार्मिक कनेक्शन है, या तो इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी ये कनेक्शन यूनियन में नहीं आ सकता. बहुत सारे लोगों के लिए अभी ये कनेक्शन उतना इजी या स्मूथ नहीं हो सकता जितना आप चाह रहे हो. सो मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे लेना चाहूंगी. वेट अ मिनट, आई टेक सम चैनल मैसेजेस एंड आई सी व्हाट योर पर्सन वुड लाइक यू टू नो. ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे. ओके, सो We have this crystal. Anyways, that's not important. The first message comes from an Aquarius person. Don't react, but watch closely. So basically, ये person आपको बोल रहा है कि इस वक्त आपको किसी भी type का reaction देने की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से बैठो, आप अपने life पे focus करो, आप अपनी energies पे focus करो. जो भी होगा वो ये person संभाल लेंगे, या इस वक्त action लेने का time आया नहीं है.
वी हैव जेमिनाई, टाइम फॉर सम मैजिक एंड मिरर्स. ये मैजिक एंड मिरर्स में यहाँ पे फिर से वो इल्यूजन वाला सिचुएशन है जो आपके डेली मैसेज में आया है कुछ देर पहले. इल्यूजन, इस कनेक्शन के बारे में कुछ लोगों के माइंड में एक पिक्चर है. आप सोच रहे हो दैट ये कनेक्शन ऐसा ही होगा, इस कनेक्शन में ऐसे ही ग्रोथ होगा या वैसे ही ग्रोथ होगा, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि यूनिवर्स का कुछ और ही प्लान है, यूनिवर्स का कुछ और ही रास्ता है. सो यू नेवर नो, सो डू नॉट ट्राई टू काइंड ऑफ फॉलो द सिचुएशन लाइक दिस, कि फिक्सेटेड मत हो जाओ कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी और दैट इज़ हाउ इट शुड बी. ओके, देन वी हैव लीब्रा. आई एम कमिंग, मीट मी हाफ वे. सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ लीब्रा पर्सन. सो यहाँ पे एयर साइंस हो गए हैं, सी लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस. वाओ, सो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आ रहे हैं. ओके, ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन अभी तक गिव अप नहीं किए हैं, एंड इस पर्सन को भी थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इस कनेक्शन में एक डेस्टिनी फैक्टर है. ये कनेक्शन काइंड ऑफ meant to be है, and this is a connection जो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. और मेरा voice अगर अजीब लग रहा है, I'm so sorry, I'm a little sick, okay? So just bear with me. We have delusions, lies and heartbreaks. So for some of you, ये जो ending है इस वक्त आप kind of go through कर रहे हो कुछ लोग, this is because of some kind of a lie. किसी ने किसी से झूठ कहा है, किसी ने pretend किया है कुछ होने का जो वो नहीं है, something like that. We have Scorpios, things will crumble but don't be scared. ये universal message है आपके लिए, universe से आया है ये message that situation थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा इस वक्त. आपको लग सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, बट जस्ट होल्ड ऑन, लाइक स्पिरिट इज सेइंग जस्ट होल्ड ऑन देयर. लाइक यूनिवर्स को पता है कि आप कितने स्ट्रेस्ड आउट हो इस चीज़ को लेके, बट जस्ट होल्ड ऑन. वी हैव लियो, लीड योर वे, यू हैव द पावर यू सीक. सो इस वक्त टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस वक्त डू नॉट फील लाइक आप अकेले हो, आप ये कनेक्शन टूट रहा है, आप एंजाइटी में हो. डू नॉट फील दैट वे. नेगेटिव चीज़ों को अप्रिशिएट मत करो, नेगेटिव थाट्स को अपने माइंड में अलाउ मत करो. रिमेंबर डिल्यूजन्स और ये सब आपके इमेजिनेशंस और जो भी आपको लग रहा है आपके दिमाग में नेगेटिव है, उसे पहले बाहर निकालो. वी हैव टॉरस, डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल. सो कुछ लोगों के लिए देयर कैन बी अ ईगो फैक्टर. देयर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, फॉलिंग अपार्ट. इस वक्त ये पर्सन की प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स. सो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है उस बात का. वी हैव एरीज, थिंग्स यू सीक आर नॉट हेल्दी. सो फॉर सम ऑफ यू, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट आपको लग रहा है ओके दिस इज नॉट वर्किंग आउट, सेम थिंग. ओके, वी हैव, आई न्यू यू वर द वन व्हेन वी फर्स्ट मेट, काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट कुछ लोगों के लिए. वी हैव कैप्रिकॉर्न, फॉर्चून इज कमिंग, यू विल बी ब्लेस्ड. सो यहाँ पे फॉर्चून मतलब आप जो चाहते हो, आपका जो विश है वो आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने जा रहा है, डोंट वरी. देन वी हैव योर सोलमेट हैज़ योर एड्रेस. सो यस, आपके सोलमेट को आपका एड्रेस पता है, आपके सोलमेट को पता है, एंड सही टाइमिंग पे ये सोलमेट को आप ढूंढ लोगे. ब्लॉकेज इज रिमूव्ड, ब्यूटिफुल. एंड वी हैव marry me. Okay, we have marry me. So this is a connection that is going to work out. Okay, this is a connection jo ek purpose hai, ek soul destiny, ek soul contract hai, ya whatever this is, but universe is saying don't give up. Is waqt aapko lag raha hoga cheeze khatam hone ja raha hai, cheeze over and end hai, but this is not the ending. Okay, so just hold on until things work out for you. So basically, I think that is what I have for you today. And thank you so much for watching. Agar aap naye ho, to zarur subscribe karna and like karna, share karna, comments mein batana kaisa laga ya nahi. And I'm so sorry for my voice because I'm not feeling very well today. And thank you. God bless you. Take care. And I hope aapka din bahut acche se bite. Goodbye.